GDP of the country can decline by about 2 percentage points as a result of what has been done. This is an underestimate, not an overestimate. बड़े अर्थशास्त्री, उन्होंने कह दिया, कोई कह रहा था 2% जीडीपी कम हो जाएगा, कोई कहता था 4% जीडीपी कम हो जाएगा। कल जीडीपी के आंकड़े आ गए और जीडीपी के आंकड़ों ने फिर एक बार कह दिया कि सारी दुनिया में, बड़े देशों में तेज गति से आगे बढ़ रहा है कोई देश, उस देश का नाम हिंदुस्तान है भाइयों। नोटबंदी ने जीडीपी ग्रोथ को तगड़ा झटका दिया है। वित्त वर्ष 2016-17 में जीडीपी ग्रोथ 7.1% रही, जबकि 2016 के संशोधित जीडीपी ग्रोथ 8% रही थी। नोटबंदी का सबसे ज्यादा असर जनवरी मार्च तिमाही में पड़ा है। क्वार्टर फोर में जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 6.1% रही। पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच विकास दर में गिरावट आई है। पिछले साल इन्हीं महीने में विकास दर 7.9% थी, लेकिन इस साल सिर्फ 5.7% विकास दर रही है। पिछले साल के मुकाबले आप आंकड़ों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं, विकास दर पिछले साल 7.9%, लेकिन इस साल 5.7%। देश ने देख लिया हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है, ये देश ने देख लिया। एक तरफ वो विद्वानों की जमात है जो हार्डवर्क का, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नाम पर बात करते हैं, एक और गरीब मां का बेटा है जो हार्डवर्क के द्वारा देश की अर्थनीति बदलने पर लगा हुआ है। भाई, ऑल दीज मेयर्स कन्विंस मी दैट द वे द स्कीम हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इट्स ए मॉन्यूमेंटल मैनेजमेंट फेलियर एंड इन फैक्ट It is a case of organized loot and legalized plunder. मोदी विकास की बातें करता है, झूठ है, कोई विकास हो नहीं रहा है, सब चौपट हो गया है, सब गड्ढे में हो गया है। In the long run, all of us are dead.